तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। एक अच्छा सा सवाल है, इसमें कहा जा रहा है, पावर का क्वेश्चन है बेसिकली। कहता है एक पेंडुलम है जिसका मास एम के जी है, यहाँ पर मास दिया हुआ है 1 kg और इसकी लेंथ दी हुई है 1 meter, रिलीज फ्रॉम एंगल 60 degree। तो पावर डिलीवर बाई द ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉब जब थीटा 30 degree होगा। तो सबसे पहले ये देखो, पावर इसको डिलीवर कौन करेगा, कौन देगा पावर, ठीक ना। तो सबसे पहले एक पेंडुलम है और ये वाली जो लाइन है लोएस्ट पॉइंट है, ये यहाँ से मैं इसको लोएस्ट पॉइंट मानता हूँ। तो जब इसको आर्क पे 60 डिग्री पे होगा, तो 60 डिग्री कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये एंगल 60 डिग्री है। लेट अस कंसीडर ये यहाँ पे था, दिस एंगल थीटा इज 60 डिग्री, ठीक ना। तो ये पॉइंट ए पर इनिशियली था, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से यहाँ से छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से रेस्ट से छोड़ा जा रहा पॉइंट ए पर। तो फाइनली जब ये एंगल 30 होगा, 30 कैसे होगा, तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, तो ये कभी एंगल वर्टिकल से ये एंगल कभी यहाँ भी आएगा पेंडुलम। तो ये एंगल जो है, ये एंगल पूरा एंगल कितना था 60, तो ये एंगल का रहा 30 होगा। दिस एंगल इज थीटा डैश, दैट इज 30 डिग्री, मैं मान लेता हूँ दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है और इसका लेंथ एल दिया हुआ है, तो दिस इज द पोजिशन, इस पोजिशन का नाम मैं बी दे देता हूँ। तो पावर डिलीवर बाई द ऑल द फोर्सेस, सबसे पहले देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इस पूरे पेंडुलम पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, जिस जो है एक टेंशन, ठीक है ना। इधर एक बार देख लो यहाँ पे, कि अगर पेंडुलम ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, तो तुम देखोगे यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है और वेट जो एम जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। कोई किसी इंस्टेंट अगर एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट जाएगा एम जी कॉस अल्फा, जो कि टेंशन के अपोजिट जाएगा, और ये किधर जाएगा, जिसका नाम होगा एम जी साइन अल्फा, जो कि इसको वापस लाएगा। तो अगर तुम देखोगे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, जो सेंटर की तरफ आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इधर जो सेंटर की तरफ आएगा, तो उसमें से टेंशन में से एम जी कॉस थीटा घटा दूंगा, तो तभी तो सेंट्रिपिटल बचेगा। और इस लाइन में जो फोर्स आ रहा है, इसी लाइन में वेलोसिटी भी आ रही है, आ रहा समझ में। इस लाइन में फोर्स और वेलोसिटी सभी आ रहे हैं इस लाइन में, तो इसका मतलब ये हुआ जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो कभी भी पावर डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स वो टी माइनस एम जी कॉस अल्फा किसी भी इंस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर ओवर एल यहाँ पर। तो जो वेलोसिटी है, जो ये जो फोर्स आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स, तो इधर आएगा और ये वेलोसिटी ऐसे आएगी, तो ये तो हमेशा थीटा 90 पे होगा। तो पावर अगर निकालोगे इसका, तो पावर इज इक्वल टू होगा एफ वी कॉस 90। तो यहाँ पे एफ वी कॉस 90, तो पावर 0, मतलब जो स्ट्रिंग के एलॉन्ग फोर्स आ रहे हैं जो सेंटीमीटर, उनका कोई पावर डिलीवर नहीं होगा। तो जो पावर यहाँ जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, एम जी साइन अल्फा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो किसी भी इंस्टेंट जो है पावर जो इसको मिलेगा वहाँ यहाँ से, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी भी है और यहाँ पे एम जी के दो कंपोनेंट है, तो अगर ये देखो एम जी सीधी लगती है, ऐसे जाती है एम जी, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा वर्टिकल से, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, थीटा होगा 30 डिग्री। तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो कि एम जी कॉस 30 होगा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट जो वेलोसिटी के लाऊंगा जो कि एम जी साइन 30 होगा, इसी की वजह से पावर डिलीवर होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं पावर देखूँ, तो एफ डब्ल्यू एम जी साइन 30 फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट की वेलोसिटी भी, तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अगर यहाँ ये बात मुझे पता चल गया, ये एम जी साइन 30 और वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लूँ, तो मेरा सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मास यहाँ 1 है और जी की वैल्यू यहाँ 10 है, और साइन 31/2 रुकूंगा। अब मैं इस पॉइंट की स्पीड निकाल लूँगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करें यार, एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। तो एनर्जी कंजर्व कराने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे 0 लेना पड़ेगा, तो मेरे लिए आसान है, इस लाइन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेता हूँ रिफरेंस लाइन, और रिफरेंस लाइन के ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच लिखते हैं, और नीचे आते हैं तो आपको पता होगा माइनस एम जी एच लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल और काइनेटिक इस लाइन पे 0 हो गया ए पे। जब बी पे आया है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी, दिस हाइट कंसीडर एच। तो
तो अब यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से ये जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। एक बार मैं डीप इंक से बनाता हूँ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जनरेट हुआ है। एक एक बार इसमें आ जाओ, और एक बार जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि तुम्हें ये वाली हाइट चाहिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बार इसमें आ जाओ। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में मैं वैल्यू निकालता हूँ। देखो तो यहाँ से ये एंगल पूरा कितना 60 है, ये एल है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल कॉस 60, ठीक ना, एल कॉस 60। और इस राइट एंगल ट्रेंगल में आओगे तो ये एंगल 90 है, ये पूरा ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ है और ये एल है, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, इस ये आ जाएगी एल कॉस 30, ठीक ना, एल कॉस 30। तो यहाँ से तुम देखोगे जो हाइट एच की वैल्यू, ये वाली ये जो हाइट एच आएगी, ये वाली हाइट, एक बार फिर से ध्यान से सुनना कि ये जो हाइट एच है, वो इस पूरे में से इसको घटा दोगे तो हाइट एच नहीं आ जाएगा क्या यार? तो यहाँ से तुम देखोगे बेसिकली, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, तुम निकाल सकते हो। तो हाइट जो एच आ जाएगी, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल कॉस 30 में से माइनस कर दो एल कॉस 60, ठीक ना, ये अपना हाइट आ जाएगा, ठीक ना। तो एल कॉस 30, एल कॉस 30 मतलब एल रूट 3/2, और यहाँ से एल साइन 60/2, इसका मतलब ये हुआ कि एल बाई टू यहाँ से और रूट 3-1, दिस इज द हाइट एच, जो कि एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और हमें चाहिए। तो आई होप कि ये हाइट आपको समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व करा दो, तो एनर्जी कंजर्व कराओगे अगर इन दोनों पॉइंट पे, तो देखो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ बच्चों। तो एनर्जी अगर कंजर्व कराओगे तो ए पॉइंट पे एनर्जी लिखो, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, ठीक ना। तो मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे काइनेटिक गया 0, पोटेंशियल गया 0, और बी पॉइंट पे काइनेटिक गया 1/2 mv², और वहीं वेलोसिटी स्पीड का स्पीड दिखेगा वो हमें चाहिए, और पोटेंशियल में प्लस जोड़ूंगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस एम जी एच, ठीक ना। ये तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर तुम डालोगे तो ये इधर आएगा प्लस mg, और h की वैल्यू यहाँ से l बाई टू, और यहाँ से रूट 3-1 इधर बचेगा, और इधर बचेगा 1/2 mv². तो यहाँ से m ने m को काट दिया और 2 ने 2 को काट दिया, और यहाँ से जो वेलोसिटी भी आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो l की वैल्यू यहाँ ने कितना दे रखा है, इन्होंने l की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर। तो L की वैल्यू अगर 1 मीटर है तो यह आ जाएगा GL और √3-1√, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी, G की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 1, और √3 की वैल्यू 1.73, यहाँ से अंडर रूट ले 1.73, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाइड बाई 0.73 अंडर रूट, मतलब जो स्पीड आ जाएगी, मतलब 7.3 अंडर रूट, तो स्पीड आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ms/s, इतनी स्पीड हुई होगी जब एंगल 30। अब इसको तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस वाले फार्मूले में ले जाके रख देना है, ठीक है ना, जो कि यहाँ से तुम देखोगे फाइनली सॉल्व करने के बाद देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 × 10 जी की वैल्यू साइन 31/2, और स्पीड यहाँ से 2.7, तो यहाँ से 10 ये पॉइंट पॉइंट कट गया, और 2.7/2 मतलब 13.5 वाट जो है पावर आ जाएगा, जो कि अपना तुम देखो अपना ए ऑप्शन सही हो जाता। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।